तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पीयूष। एंड गाइस, आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आज के टॉपिक में बात करूंगा कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इन फ्यूचर। अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आप मेनली अर्निंग कैसे करोगे। गाइस, मैं मेनली अर्निंग के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि गाइस डिजिटल मार्केटिंग का ट्यूटोरियल मैं पहले बना चुका हूँ, बट मैं इस वीडियो में सिर्फ अर्निंग के ऊपर ही बात करूंगा कि किस किस वे से आप अर्न कर पाओगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो या सीख जाते हो डिजिटल मार्केटिंग। गाइज, बट उससे पहले मेरे को आपको थोड़ा बहुत बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे काफ़ी नए यूज़र, मेरे काफ़ी न्यू जो यूज़र आए होंगे मेरी वीडियो पे आएंगे अब, तो उनका अगर आपको नहीं पता होगा डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है, तो गाइज खाली मैं डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। गाइज, मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो भी देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है एक, उसको भी देख लेना। सो गाइस, पहले एक बारी डिजिटल मार्केटिंग पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है सिंपली, जिसमें हम ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट प्रमोट करके सेल्स लेके आते हैं, या बिजनेस लेके आते हैं, या कन्वर्जेशन लेके आते हैं अपने बिजनेस के लिए। जैसे कि गाइस, ट्रेडिशनल मेथड में हम दूसरे मेथड यूज़ करते थे, जैसे कि हम न्यूज़पेपर यूज़ करते थे, पैम्पलेट यूज़ करते थे, टीवी यूज़ करते थे। बट गाइस, डिजिटल मेथड में हम यूज़ क्या करते हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल मार्केटिंग, एंड ये सारी चीज़ें गाइस हमारी हो जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग का मेनली मीनिंग यही है सिंपली, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करके सेल्स लेके आनी, या लीड लेके आनी, या कन्वर्सेशन लेके आनी सिंपली, तो उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो गाइस, आई होप आपका डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, मैं बात कर लेता हूँ अर्निंग की। गाइस, अर्निंग कैसे करोगे इसमें? गाइस, इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप कोर्स करते हो, गाइस आपको सिखाया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है गाइस, इसकी भी मैं प्रॉपर दो वीडियो बना चुका हूँ गाइस, बट मैं यहाँ पर भी क्लैरिफाई कर देता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा मीनिंग सिंपल है कि गूगल में लोग जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे अगर आपकी भी वेबसाइट है, काफ़ी लोगों की वेबसाइट है गाइस, लाखों वेबसाइट हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट रैंक करानी होती है सिंपली गूगल सर्च में। सो गाइस, सिंपल सा मीनिंग है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो आप भी अगर अपनी वेबसाइट रैंक कराओगे तो आपको बिजनेस ज़्यादा आएंगे। तो सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप सीख के, डिजिटल मार्केटिंग सीख के, अगर आपका कोई बिजनेस है, सो आप अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हो थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को रैंक करा के गूगल में। देन गाइस, सेकंड चीज़ आप सीखोगे गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या है गाइस? काफ़ी लोगों को पता होगा बट काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। गूगल माई बिजनेस गाइस एक तरीके से, जैसे आपने देखा ही होगा, काफ़ी सारे वो एक मैप के तरीके से बन के आ जाता है, एक बॉक्स सा बन के आ जाता है जब भी आप कुछ सर्च करते हो, कि जैसे आपने सर्च किया बेस्ट वॉल पेपर नियर मी, तो गाइज वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है गूगल, एंड आपको आपके पास के हिसाब से वो दिखा देता है कि ये हैं, एंड उनको कॉल कर सकते हो आप शॉप्स को। जो गाइज गूगल माई बिजनेस भी रैंक करवाना होता है हमें गूगल में, सो गाइज वो भी आपको सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं इन डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके कोई बिजनेस है, तो आपको बहुत ज़रूरी है गूगल माई बिजनेस, सो आप कर सकते हो। एंड उसको रैंक करवाने के लिए गाइस आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे रैंक कराते हैं, ठीक है गाइस। एंड देन गाइस, थर्ड चीज़ जो आप सीखोगे, वो सीखोगे गाइस आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है गाइस? सिंपली आपको नाम से पता चल गया होगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना, मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंगेजमेंट लाना, ज़्यादा रीच लेके आना, ज़्यादा लोगों को इंगेज रखना अपने, मतलब ऑप्टिमाइज करना उसको अपने हिसाब से, ताकि वो वहाँ से भी आप लीड्स जनरेट कर सको। मेनली गाइस हमें लीड्स ही जनरेट करनी है, चाहे आपका कन्वर्जेशन मत करनी है आपको उससे, कि क्या है मतलब आपका जो गोल है उसको कंप्लीट करना है मेनली। तो गाइस गोल आपका कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है अपनी वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें गाइस आप सीखते हो इन डिजिटल मार्केटिंग, कि आपने कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लीड लेके आनी है, या कैसे आपको उसमें और एंगेजमेंट लानी है, फॉलोअर्स लाने हैं, ये सारी चीज़ें गाइज आपको सिखाई जाती हैं इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है गाइज। देन गाइज हमारी जो फोर्थ चीज़ आती है, वो आती है मेरी गाइज ब्लॉगिंग की। ट्रिक्स आपको सिखाई जाएंगी डिजिटल मार्केटिंग में, ब्लॉगिंग। तो गाइज काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि ब्लॉगिंग होती क्या है। ब्लॉगिंग गाइज एक तरीके से हमारी
मैं यहाँ बता रहा हूँ गाइस, इसकी भी वीडियो वैसे मैंने बना चुका हूँ, लेकिन मैं ब्लॉगिंग पे को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ताकि एज अगर आप ब्लॉगर बनना चाहो तो आप इससे घर बैठे बैठे वर्क करके अर्न कर सकते हो अच्छी खासी इनकम। सो गाइस, ब्लॉगिंग भी बता देता हूँ क्या है। गाइस, ब्लॉगिंग हमारी एक तरीके से नॉलेजेबल वेबसाइट होती है। सिंपली आप जैसे कोई भी वेबसाइट आप जाते होगे, देखते होगे गूगल में, सर्च इंजन में देखते होगे, गूगल में कुछ सर्च करते हो हेल्थ के बारे में कि बेनिफिट्स ऑफ एप्पल्स, बेनिफिट्स ऑफ बनानास। तो गाइस ऐसे जो आप कुछ भी सर्च करते हो एंड गूगल में काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं एंड उसमें आप पढ़ते हो, रीड करते हो। मीनिंग गाइस सिंपल है ब्लॉगिंग का, यही है कि आपको भी एक वेबसाइट बनानी है और उस पर आर्टिकल सिंपली पब्लिश करने हैं। सो गाइस उससे आपको अर्न होती है। गाइस अर्निंग के उसमें बड़े सारे वेज हैं, जैसे गूगल एडसेंस हो जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है, एंड तीन चार तरीके के गाइस बहुत सारे वेज हैं ब्लॉगिंग में भी अर्न करने के। तो गाइस ब्लॉगिंग की वीडियो भी मेरी देख लेना कि कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि गाइस काफ़ी लोगों को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने स्टार्ट करना सिखा रखा है कि कैसे स्टार्ट करनी है। तो ब्लॉगिंग की देख लो, उसमें मैंने ये भी सिखा रखा है कि अपनी वेबसाइट पे मैंने ये भी सिखा रखा है कि कैसे एक वेबसाइट भी क्रिएट करनी है, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। नॉलेजेबल वेबसाइट को ही हम ब्लॉगिंग कहते हैं। सिंपली आपने नॉलेजेबल की वेबसाइट बनानी है, अपने बारे में कुछ डालना है एंड उसको ही ब्लॉगिंग कहते हैं। गाइज ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। देन गाइज मेरा आता है, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा गाइज कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग का भी गाइज मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ पूरा कि क्या है एफिलिएट मार्केटिंग। सो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीके से, मैं इधर भी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या है। सो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीके से हमारी कमीशन बेस्ड मार्केटिंग होती है। सिंपली आपको किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करना है एंड उस प्रोडक्ट से अगर कोई बाय कर लेता है तो आपको कमीशन मिलती है। सो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग का भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देन गाइज आपको सिखाई जाएगी ईमेल मार्केटिंग। गाइज ईमेल मार्केटिंग क्या होती है कि ईमेल, सिंपली आपको नाम से पता चल गया होगा कि ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, मतलब गाइज आपने देखी होंगी काफ़ी सारी आपको ईमेल्स आती होंगी कि मिंत्रा पे सेल चल रही है या किसी भी अमेजोन पे सेल चल रही है या कुछ भी चल रहा है, तो गाइज आपको ईमेल कर देते हैं वो। तो गाइज इस ईमेल को भी जो आपके पास आती हैं, काफ़ी सारी जो ईमेल आपको आती हैं, तो गाइज वो भी एक तरीके की मार्केटिंग होती है, जिनसे वो आपको अपने प्लेटफॉर्म्स पे ले आते हैं एंड सेल्स बढ़ जाती है उनकी। तो गाइज ईमेल मार्केटिंग आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, जिससे गाइज आपके बिजनेस में बहुत हेल्प होगी एंड आप सेल ला सकते हो, इससे भी आप अर्निंग कर सकते हो मेनली। देन गाइज आपको सिखाया जाएगा कि एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। गाइज वेबसाइट क्रिएट करके भी आपको पता ही है आप अर्न कर सकते हो, वेबसाइट काफ़ी आप अर्न कर सकते हो, जैसे आप सिंपली काफ़ी आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, फ्रीलैंसिंग कर सकते हो आप सिंपली, आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं अगर आप एक वेबसाइट बनाना सीख जाते हो। अगर आपको वेबसाइट एक बनानी आती है तो सिंपली गाइज आप वेबसाइट बना के भी अर्न कर सकते हो। तो गाइज वेबसाइट बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है एंड बिना कोडिंग के सिखाई जाती है आपको, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। देन गाइज उसके बाद आपको 10 से 15 चीज़ छोटी मोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि ORM क्रिएट करना। ORM का क्या मतलब होता है गाइज? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो गाइज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे बनाए रखनी है अपनी, उसमें अपनी ऑनलाइन जगह पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ऑनलाइन अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है तो कैसे बना के रखनी है। तो गाइज उससे भी आपको लीड्स मिलती हैं, बिजनेस मिलता है, ये सारी चीज़ें गाइज बड़े सारे आपको वेज सिखाए जाएंगे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में। एंड गाइज इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है एंड अगर आप इसमें अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, एज अ डिजिटल मार्केटर करना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये लाइन है एंड आप कर सकते हो। तो गाइज मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक मार दिया करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।